अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। उन सियासतदानों को बैतुल माल से 60,000 रुपये दिए जाएं क्योंकि चीफ जस्टिस ने अहम कौमी रहनुमाओं को शर्मिंदा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना है कि अगर सियासतदान खुद सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो उन्हें बैतुल माल से 60,000 रुपये दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम शख्सियात की सिक्योरिटी से मुतलक केस की समाअत हुई। पंजाब पुलिस ने सियासतदानों को दी जाने वाली सिक्योरिटी की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। डीआईजी अब्दुल रब ने अदालत को बताया कि 31 सियासतदानों को सिक्योरिटी फराहम की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, अयाज सादक, जायद हामद की सिक्योरिटी तो समझ में आती है, लेकिन राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब, अनोशा रहमान, आबद शेर अली और एहसन इकबाल के बेटे को सिक्योरिटी किस लिए दी है? ये लोग एक तरफ अदलिया को गालियां निकालते हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी मांगते हैं। आईजी साहब, आपने अदलिया महालो बयानात देने वालों को सिक्योरिटी फ्राहम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एक सिक्योरिटी एहलकार 25,000 में पड़ता है और एक सियासतदान कम से कम 60,000 रुपये में पड़ता है। कौम का पैसा इस तरह लुटाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये लोग खुद सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो बैतुल माल से 60,000 रुपये दिए जाएँ। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।